नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल टिप्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे टॉप क्रिकेट अकेडमी के बारे में, जो कि बिहार में सबसे अच्छी क्रिकेट अकेडमी, आपको सबसे अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सी क्रिकेट अकेडमी, उसके बारे में बात करेंगे। जो बिहार में सबसे टॉप क्रिकेट अकेडमी, जो नंबर वन क्रिकेट अकेडमी है, वो है एमएस धोनी क्रिकेट अकेडमी। आपने एमएस धोनी क्रिकेट अकेडमी के बारे में सुना होगा, क्योंकि एमएस धोनी जो अभी काफ़ी ज़्यादा अकेडमी खोल रहे हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, और उनके अकेडमी है, उनका जो सपना है वो पूरे इंडिया में अकेडमी खोलना है हर स्टेट में, और अच्छे क्रिकेटरों को अच्छी फैसिलिटीज देना है, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्रिकेटरों का, क्रिकेट का, तो इसलिए वो अच्छी अकेडमी देना चाहते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल पाए अकेडमी द्वारा। और उसके बाद बात करेंगे कि एम एस धोनी की अकेडमी कहाँ कहाँ खोल रखी है। तो फिलहाल तो एम एस धोनी जो अकेडमी है वो पटना, गुरुग्राम, बरेली, बोकोरा, नोएडा, नागपुर, लखनऊ, रांची में चल रही है, जो कि इंडिया में स्थित है। और इंडिया के बाद जो दो स्टेट है वो है सिंगापुर और दुबई में है। तो एम एस धोनी सिंगापुर दुबई में अकेडमी चलाते हैं, इनकी अकेडमी चल रही है। और जो आप बात करेंगे एम एस धोनी की अकेडमी, जो मेन बात कर रहे हैं वो है बिहार के बारे में, कि बिहार में ये कहाँ पर है। तो बिहार में ये पटना में स्थित है, और इसका जो एड्रेस है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इन्हें इस वीडियो देख सकते हैं उसका एड्रेस, और उसकी वेबसाइट भी दे दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं बिहार जो अकेडमी है, एम एस धोनी की अकेडमी, वो फैसिलिटीज आकर प्रोवाइड करती है बच्चों को। तो उसके बाद बात करेंगे उसमें फ़ीस क्या है, उसमें क्या क्या एडमिशन कैसे लेते हैं और चार्ज क्या है, इसके सारे बात करेंगे, और कोचेस कौन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो अकेडमी में एम एस धोनी खुद आते रहते हैं यहाँ पर महीनों में, और यार कितना जब उन्हें टाइम मिलता है बच्चों को, खुद वो ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं फिटनेस बारे में, उनको टिप भी देते हैं कि उन्हें क्या बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग कैसे करनी चाहिए, उन्हें टिप देते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर फीस क्या है एडमिशन लेने के लिए, आपको क्या करना चाहिए। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको करना क्या आएगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि अकेडमी द्वारा मिल जाएगा, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जो ऑनलाइन मिलने के बाद आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बात करते हैं कि वहाँ पर एज लिमिट क्या है। तो वहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 6 ईयर्स है, और मैक्सिमम जो है वो 23 ईयर्स है, जो आपकी 6 से 23 साल के बीच में को आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेते हैं वो ट्रायल्स के तौर पर, क्योंकि जब अकेडमी चालू हुई थी अप्रैल में, स्टार्ट हुई थी 2018 में, बनी इस्टेब्लिश हुई थी जब अकेडमी, तो जब ट्रायल हुए थे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आ गए ट्रायल देने, जो 3500 बच्चे यहाँ ट्रायल देने आ गए थे। तो लेकिन जब देने आए तो बच्चे इतने सारे एक अकेडमी में इतने सारे बच्चे अलाउड नहीं हो पाएंगे, इतने सारे बच्चे वहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। तो वजह से वहाँ ट्रायल करवाते हैं हर एज कैटेगरी के, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 का ट्रायल होते हैं। उसके ट्रायल के तौर पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, आप ट्रायल में अच्छा करेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांस बढ़ जाते हैं इंडिया खेलने के लिए, या फिर रणजी खेलने के लिए, क्योंकि अकेडमी काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटीज और कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। इसके हम बात करते हैं कि जो अकेडमी है ये और क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उसकी फ़ीस क्या है। जो एम एस धोनी क्रिकेट अकेडमी जो फीस है वो आपको 2000 रुपये पर मंथ है, आपको यहाँ पर 200 रुपये पर मंथ देने, 2000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको पर, लेकिन यहाँ पर आपको पर मंथ फीस नहीं ली जाती, यहाँ पर आपको क्वार्टरली फीस जमा करनी पड़ेगी। जो क्वार्टरली फीस है वो 6000 रुपये है, अगर आप 6 महीने की हाफ ईयरली फीस जमा करेंगे तो वो 11000 हो जाएगी, अगर आप 1 ईयरली फीस जमा करेंगे इस साथ तो आपको 20000 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ये सब फीस मंथ वाइज यहाँ पर एडमिशन फीस भी लगती है, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी यहाँ पर है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 6000 रुपये, आपको अलग से 6000 रुपये देने पड़ेंगे शुरुआत में टाइम, उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाते हैं यहाँ पर वुमेंस के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए कोचिंग नहीं, अभी फिलहाल तो कोचिंग नहीं है, जब होगी तो आपको यहाँ की वेबसाइट की आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि यहाँ पर गर्ल्स के लिए अभी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी कोई भी कोचिंग नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या फैसिलिटीज मिल जाती है। यहाँ पर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल प्रोवाइड नहीं है, अगर आप यहाँ पर कोचिंग करते हैं आप बाहर से आए स्टेट से, तो आपको यहाँ पर अपना रूम लेना पड़ेगा रेंट पे वहाँ पर आसपास, जिससे आप वहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको इनके और क्या क्या एम एस धोनी में क्या क्या मिलता है। यहाँ पर अपना इनका खुद होम ग्राउंड है, जो कि पटना में है, जो होम ग्राउंड होने का फायदा ये है कि यहाँ पर ये मैच करवाते रहते हैं टाइम टाइम पर, महीने में या फिर हर हफ्ते, जिससे आपको काफ़ी अच्छे मैच मिलते रहते हैं खेलने के लिए, होम ग्राउंड को ये फायदा होता है। और ये नाइट मैच भी करवाते हैं, नाइट मैच भी यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 टॉप विकेट मिलती हैं और 2 सीमेंट विकेट मिलती हैं, जिसमें आपको 4 प्रैक्टिस करने मौका मिलता है। और यहाँ पर अच्छे कोचेस हैं, जो कोचेस जो अकेडमी में वो दो तीन या चार कोचेस हैं यहाँ पर मिल जाते हैं आपको अकेडमी में, जो कि काफ़ी अच्छे कोचेज और क्वालिफाइड कोचेज हैं, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के कोचेज मिलते हैं यहाँ पर आपको जो कोचिंग देते हैं। तो हम बात करें कि यहाँ पर
जो ट्रायल्स होंगे वो ट्रायल्स पर एडमिशन लेते हैं। फिलहाल जो भी अंडर 14 के ट्रायल होंगे एम एस धोनी अकेडमी में वो 26 अप्रैल 2020 को होंगे। तो आप यहाँ पर रहते हैं या आपको एडमिशन लेना है अकेडमी में तो आप जाइए बिहार में और एम एस धोनी अकेडमी में 26 अप्रैल को ट्रायल दीजिए। इसके बाद करते हैं कि ट्रायल में आपको क्या क्या लगता है या फिर यहाँ पर क्या क्या प्रूफ रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं। तो डॉक्यूमेंट तौर पर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी पड़ेगी, आपको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा और आपको अपनी फोटो ले जानी पड़ेगी। आपको ट्रायल के वक्त भी आपको दिखाने पड़ेंगे और एडमिशन लेंगे जब भी आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद करते हैं कि एम एस धोनी जो अकेडमी है ये आपको और क्या क्या करती है, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, यहाँ पर कोचेस क्या है। कोचेस यहाँ पर हैं वो काफ़ी अच्छे कोचेस हैं। यहाँ पर आपको नेशनल लेवल के कोचेस मिलेंगे और रणजी लेवल के कोचेस मिलेंगे और इंटरनेशनल कोचेस मिलते रहते हैं और जो बाहर से भी आते रहते हैं कोचेस दूसरे इंटरनेशनल जो आपको ट्रिप देते रहते हैं। और यहाँ पर जो हेड कोच है वो सोहिल रौफ है जो कि डोमेस्टिक लेवल क्रिकेटर रह चुके हैं और दिल्ली के रणजी खेल चुके हैं दिल्ली की तरफ से। और यहाँ पर आपको बात करते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस कितने डेज होती है और टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस जो होती है वो हफ्ते में 6 दिन होती है, सिर्फ थर्सडे को ये ऑफ रहती है। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है और जो टाइमिंग है प्रैक्टिस की वो पर रोज होती है, सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और जो ये अकेडमी है ये आपको संडे को मैच भी करवाती है, प्रैक्टिस मैच भी खेलने को मिलते हैं यहाँ पर संडे जो कि अकेडमी द्वारा करवाया जाता है हर एज कैटेगरी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस में मिलता है संडे को। और जो ये अकेडमी है ये BCCI बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के एफिलेटेड है, तो ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसे वो मिल चुका है, इसे प्रूफ मिल चुका है, एफिलेटेड मिल चुका है। यहाँ पे ये अब ये BCCI के कोई भी टूर्नामेंट होता है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई भी टूर्नामेंट होता है तो ये अकेडमी वहाँ पर मैच खेलती है, उनके द्वारा वहाँ पर परफॉर्म करती है, उनके सारे टूर्नामेंट खेलती है और कोई भी टूर्नामेंट हर बच्चे हर एज कैटेगरी के यहाँ पर खेलते हैं तो ये आपको मिलते रहते हैं। तो यही था बिहार क्रिकेट अकेडमी में जो सबसे बेस्ट अकेडमी एम एस धोनी क्रिकेट अकेडमी। तो एम एस धोनी काफ़ी अच्छी क्रिकेट अकेडमी है, अभी एक इनके और भी स्टेट और भी इनकी अकेडमी खुलने वाली है जैसे दिल्ली में और कई जगह खुलने वाली है, आपको यह सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इनकी वेबसाइट पे। अगर कोई भी अब डाउट हो तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं वेबसाइट नंबर आपको नीचे दे देता हूँ, वेबसाइट आप देख सकते हैं, वेबसाइट में आप कर सकते हैं www.msdcpatna.com। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इनकी वेबसाइट या फिर आपको यहाँ पे नंबर दे सकते हैं कि मिल जाएगी। उसके कॉन्टैक्ट नंबर मैं देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कॉन्टैक्ट नंबर जाके आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ये नंबर से आप इन्हें कोई भी संपर्क कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।